हाँ, 3 फुट की एक फुलझड़ी है, 120 रुपए का देसी घी का डब्बा। Hey guys, welcome back to my new vlog. तो guys, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत एक नए vlog के साथ। guys, आज हम लेने जा रहे हैं दिवाली के पटाखे, क्योंकि गौरी काफी दिन से पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे पटाखे लेके दो। तो guys, हम जा रहे हैं किसी की शॉप पर जहाँ पर पटाखे लगे हुए हैं, क्योंकि पटाखे हैं गवर्नमेंट की तरफ से बैन, इसलिए लोगों ने चोरी छिपे पटाखे लगा रखे हैं और मेरे दोस्त ने लगा रखे हैं। मैं उसके पास जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि 2023 के जो न्यू पटाखे आए हैं, दिवाली स्टैश 2023, मैं आपको सारे रिवील करके दिखाऊंगा और क्या क्या रेट है पटाखों के, और बच्चों के चलाने के कौन से पटाखे हैं, बड़ों के चलाने के कौन से पटाखे हैं। गाइस, पटाखों में भी ऐसी नई नई वैरायटी जो आज तक आपने कभी देखी नहीं होगी, तो वो आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लॉग के अंदर। और गाइस, गुड्डू के लिए भी पटाखे लेके आएंगे, छोटे मोटे जो फुलझड़ी है पॉपट बड़ी वाली। गाइस, लेने जा रहे हैं पटाखे। ब्लॉग के साथ यूं ही बने रहना और देखना हमारा दिवाली स्टैश 2023 और नए नए पटाखे कौन से आपको सब दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं गाइस। तो गाइज, ये हम आए हैं पटाखे लेने के लिए और आपको सारे पटाखों की नॉलेज देंगे। आपने सिनेमैटिक में तो देखा ही होगा कि कितने सारे पटाखों की वैरायटी है, तो देखते हैं आप कौन कौन। मैंने आपको बताया था कि हम लेने आए हैं आज पटाखे, और गाइज इस बार 2023 के अंदर काफी नए नए तरह के पटाखे आए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। देखो कितनी तरह की वैरायटी है, कम से कम 200 तरह की वैरायटी है पटाखों की, और मैं आपको छोटे से लेके बड़े तक पटाखा सब दिखाऊंगा। सबसे पहले ये छोटा सा पटाखा है, ये है वो पोपट जो बच्चे नीचे बजाते हैं, और पोपट इधर बजता है पटाखा, सबसे छोटा पटाखा है बच्चों के लिए और बच्चे इसको आराम से चला सकते हैं पोपट। और इसी में इसका बड़ा साइज है पोपट का, ये बड़े डब्बी में आ गया। और उसके बाद गाइस, ये है छोटा आलू बम, ये देखो इसका धमाका थोड़ा कम होता है और इसी का ही बड़ा साइज है बड़ा आलू बम, ये देखो। और ये मात्र गाइस, ये 2 रुपए का पीस है, ये सिर्फ 5 रुपए का पीस है। देख रहे हो गए, ये है बिग साइज का बुलेट बम, पहले छोटा आता था अब ये बड़ा आ गया है, और छोटे वाले बुलेट बम भी है, ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए का बम है, सिर्फ 3 रुपए का, ये देखो। तो गाइस, ये अनार की डब्बी सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए की, सिर्फ 35 रुपए की, 3.5 रुपए का एक पीस है अनार का। और ये देखो गाइस, ये करीबन 20 सेकंड चलेगा, ये है इतना बड़ा अनार जो कि 2023 में आया, इतना बड़ा अनार, और ये चलेगा करीबन 10 मिनट से ज्यादा, और इसकी वैल्यू है 500 रुपए। ये इतना बड़ा अनार है, 2023 में इतना बड़ा अनार आया है, और ये करीबन चलेगा 10 से 12 मिनट तक। और गाइस, ये है छोटी फिरकी जो सिर्फ मात्र 2 रुपए से स्टार्ट है, और इसमें बड़ी फिरकी भी है जो 5 रुपए से स्टार्ट है, ये देखो, ये 5 रुपए से स्टार्ट फिरकी है देखो, और इससे बड़ी फिरकी भी है, और ये भी 5 रुपए स्टार्ट है देखो गाइस, ये मुर्गा छाप की सारी गाइस आप देख रहे हो। ये मैं लाया हूँ देसी घी का डब्बा, इसमें देसी घी गया है। और गाइस आप इस डब्बे मत जाना, इसमें है पटाखा, इसमें चलेगा अनार, और अनार का रंग होगा सिल्वर। ये लग रहा है देसी घी का डब्बा, लेकिन देसी घी का डब्बा नहीं है ये, ठीक है। और ये देखो क्या नाम इसका, विंटर रेन, ये बारिश की तरह ही चलेगा। और दूसरों में आती है येलो वाली चिंगारी है, इसमें आएगी सिल्वर चिंगारी है, और इसका मात्र रेट है 100 रुपए एक पीस का, और ये कैन की तरह भी है, देसी घी के डब्बे की तरह भी है। ये मैं बनवा के लाया हूँ अपनी वाइफ के लिए दिल, और गाइस ये दिल दुल नहीं है, ये है फुलझड़ी, ये है फुलझड़ी जो कि चलेगी करीबन 10 मिनट। आप देख रहे हो एक हार्ट के शेप में आई है, और गाइस इसकी मात्र वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए इस फुलझड़ी की मात्र वैल्यू। और ये इसका डब्बा, इसमें करीबन 2 पीस आते हैं। गाइस ये मैंने मंगवाई है साड़ी दिल्ली से स्पेशल, और गाइस इस डब्बे के अंदर है 5000 पटाखे, ये 5000 की लड़ी है जो कि चलेगी 20 मिनट, मुर्गा छाप की 5000 पटाखे की लड़ी है। एक बार इसको बिछा देंगे तो सड़क पर जगह बाकी नहीं रहनी, जितनी लंबी ये लड़ी है, और ये करीबन चलेगी 20 मिनट। ये है मुर्गा छाप की बड़ी लड़ी, 5000 पटाखे इसके अंदर, आप देख रहे होगे इसकी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए इस डब्बे की वैल्यू।
इसमें 5000 पटाखे हैं। ये है शॉर्ट बम्प जो नीचे बजेगा और आसमान में जाके होगी रोशनी। ये कलर वाले हैं और एक ही बार में 120 शॉट निकलेंगे वन बाय वन करके, और करीबन ये चलेगा 10 मिनट। 120 शॉट हैं ये जो आसमान को जाके कर देंगे रंगीन। आप देख रहे होंगे 120 वाली है और इसकी वैल्यू मात्र 1000 रुपए है एक पेटी की। ये पेटी देख लो, इसमें 120 शॉट है। ये है बर्थडे पोपट जो ऐसे ऐसे करके निकलता है, और गाइस इसी में निकलते हैं 25 पटाखे जो आसमान में जाके बजते हैं। 25 पटाखे निकलते हैं और इसकी मात्र वैल्यू है 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए का ये बम्ब है और 25 पटाखे निकलते हैं मात्र 2 रुपए का एक पटाखा। ये है बुलेट बम्ब। दिवाली पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस बम्ब को नहीं बजाता। और गाइस ये ओरिजिनल बम्ब है मुर्गा छाप के। ये मात्र 33 रुपए की डब्बी है और 3.30 रुपए का एक पीस पड़ेगा। ये एक डब्बी में 10 पीस होते हैं और ये 10 पीस का बंडल है और 33 रुपए की एक डब्बी है। 3.30 रुपए का पैसे का एक बम्ब है ये। इसका धमाका बोझा होता है बुलेट बम्ब। ये है सूतलियाँ मैंने मंगवाई हैं बोरियाँ सीने के लिए। ये गाइस रस्सी बम्ब और इसकी मात्र वैल्यू है सिर्फ 7 रुपए। जिसने इस बम्ब को चला लिया उसके कानों के पर्दे ऑटोमेटिकली से सुन हो जाएंगे, इतना इस बम्ब का धमाका है। जिस भाई ने जिसको चलाया हुआ है वो कमेंट करके जरूर बताइए इस बम्ब का कितना धमाका होता है रस्सी बम्ब का। ये देख रहे होंगे ये है 5 पीस की फुलझड़ी और जिसकी हाइट है करीबन 3 फुट की एक फुलझड़ी है। आप देख रहे हो 3 फुट ही ना, हाँ 3 फुट की एक फुलझड़ी है। और गाइस इसकी मात्र वैल्यू है 200 रुपए का डब्बा है ये। 4 रुपए का एक पीस है फुलझड़ी का ये। और देखो गाइस कलरफुल वाली है, कलरफुल है ये। 3 फुट की एक फुलझड़ी है, 5 पीस का पैकेज है ये, 200 रुपए का सिर्फ। नई तरह की फिरकी है जो इस बार 2023 के अंदर ही आई है, अवेंजर टाइप की फिरकी है ये देखो गाइस। और ये भी गाइस काफी टाइम तक चलेगी, ये भी नया पटाखा आया 2023 के अंदर। ये पटाखे तो आप सबने बजाए होंगे बचपन के अंदर और बड़े भी बजाते हैं, मैं अभी तक इसको बजाता हूँ। ये है बिजली बम्ब और मात्र इसका पैकेट का रेट है 12 रुपए होलसेल के अंदर। एक 10 पीस का पैकेट है 120 रुपए का और 12 रुपए का सिंगल पीस लगा दिए सेल। मात्र 20 रुपए, 15 रुपए रस्सी बम और ये बिजली बम 10 रुपए की। और गाइस ये है होलसेल में रस्सी बम का छोटा साइज जो कि 20 रुपए का एक पैकेट है। तो गाइज़ अगर आपको ये पटाखों की जानकारी अच्छी लगी हो और ये सभी पटाखों के जो हमने आपको रेट बताए और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट में राय ज़रूर देना हमें।